नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। भगवान परशुराम छठे अवतार हुए विष्णु अवतार श्रृंखला में, और ऋषि परंपरा में एक अद्भुत ऋषि का नाम है। कई सारी कहानियां परशुराम जी के आसपास गुजरती रहती है। वो चिरंजीवी हैं, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा मौजूद है, अमिट। चाहे उनके जन्मस्थल इंदौर से लेकर के बात केरल, कोंकण, गोवा, हर जगह परशुराम अपने तप के बल पर उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति की वजह है उनकी तपश्चर्या, वो तपश्चर्या जिसने उनके अंदर सामर्थ्य पैदा किया था। और वो सामर्थ्य सिर्फ स्वयं के रूपांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में कुछ भी गलत हो, अहंकार हो, अत्याचार हो, उसका समूल नाश करने का नाम है परशुराम। इसलिए परशुराम भगवान को याद करते हुए आज एक प्राणायाम आपके साथ समर्पित कर रहा हूं, जिसे भगवान परशुराम के नाम पे परशुराम प्राणायाम आज से जाना जाएगा। और मेरा विश्वास, ये प्राणायाम जो ऋषि परशुराम के नाम पर है, ये काफी अंतर आपके अंदर पैदा करेगा। पिछले वीडियो में भी इस प्राणायाम को लेकर के मैंने चर्चा की, लेकिन आज समर्पित कर रहा हूं उनके नाम से परशुराम प्राणायाम। उससे पहले थोड़ी बात को और समझेंगे तो इस प्राणायाम के भाव में और ज्यादा गहरे उतर पाएंगे। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि था। उनके पास एक बहुत ही स्वर्गीय गाय मौजूद थी, और एक बार जो सहस्त्र अर्जुन, इसका इस महाभारत के अर्जुन से उसका संबंध नहीं है, सहस्त्र अर्जुन जो नायक हुए, वो अपने वन में भ्रमण करते करते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, और उन्होंने जो सुरभि नाम की ये गाय थी उसको देखा और मांगा कि जमदग्नि ऋषि आप मुझे ये दे दें, लेकिन उन्होंने, ऋषि ने इनकार कर दिया। तो जबरदस्ती अपने बल का दुरुपयोग करते हुए उस राजा ने, सहस्त्र अर्जुन ने, उस गाय को अपने हवाले करके वहाँ से निकल गए। परशुराम जब आए तो उनको ये जानकारी मिली और वो शवक सिखाने निकल गए, और सहस्त्र अर्जुन को उन्होंने संहार किया और वापस गाय लाया, और जमदग्नि ऋषि को अपने पिता को भेंट किए। लेकिन पिता इससे नाराज हुए, उन्होंने कहा कि हमारा ये कार्य नहीं है कि हम हिंसा करें, ये हमारा ऋषि और ब्राह्मण वंश होने के नाते इस कार्य शोभनीय नहीं है। और उसने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, और तुम जाओ अपनी तपश्चर्या के द्वारा अपने आप को परम शुद्ध अवस्था में ले आओ पुनः। और वो चले गए, और इस बीच कहानी कही जाती है कि बदले की भावना से उनके वंश के लोग आते हैं सहस्त्र अर्जुन के और जमदग्नि ऋषि के सिर को काट डालते हैं। और महर्षि परशुराम को जब इसकी खबर लगती है तब वो शपथ लेते हैं कि नहीं, जो भी अनिष्ट कार्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसे सभी क्षत्रियों का मैं नाश करूंगा। और कहा जाता है 21 बार उन्होंने युद्ध किया और उनका समूल नष्ट किया। जो भी ऐसी शक्ति जो दुरुपयोग कर रही थी मानवता के कल्याण के लिए, क्षत्रिय धर्म का पालन करने के आदेश दिया गया था, लेकिन उससे हट करके सत्ता का दुरुपयोग परशुराम को बर्दाश्त नहीं हुआ, और खास तौर पर उन्होंने इस तरह के क्षत्रियों का समूल नष्ट किया। तो आप देखते हैं कि ऋषि परशुराम के अंदर दो तरह की बातें हैं, एक सत्व जिसमें वो तप बल के परम आकाश को छूते हैं, सात्विक नेचर का उनका नेचर है, और दूसरा रजस है, यानी अगर जो गलत देखते हैं उनके खिलाफ वो विद्रोह करते हैं, उनको समूल नष्ट करते हैं। तो ये दो चीजों का सम्मिश्रण है परशुराम। तो इसी सम्मिश्रण को हम प्राणायाम में व्यक्त कर रहे हैं कि जब हम डीप इन्हेलेशन करते हैं, काफी लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो वो सत्व नेचर का होता है, हमारे अंदर सात्विक वातावरण को, मन को, आत्म तत्व को प्रकट करता है। और जब हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो कहते हैं कि चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चलावेत, यानी सांस के तेज चलने से मन तेज चलता है, यानी रजस मन हो जाता है, चंचल चित्त का होता है। लेकिन अगर हम इस दो को संतुलित कर करके
हम जब अभिव्यक्त करेंगे तो उसका नाम है परशुराम प्राणायाम। तो समझे परशुराम प्राणायाम को करना कैसे। तो आप किसी भी कंफर्ट पोजीशन में बैठ जाएं और इसको धीरे धीरे पहले आप अपनी सांसों को लंबी करें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सांस की लंबाई बढ़ाने के लिए आप नाभि के क्षेत्र को पहले उभारें ताकि डायफ्राम नीचे आए, और धीरे धीरे उसी सांस को पेट से भरने के बाद चेस्ट के तरफ ले जाएं ताकि अनाहत चक्र तक, यानी मणिपुर जहां प्राण का भंडार है और जो लंग्स है वहां तक प्राण को हम पहुंचा सकें, ताकि हमारा जो जागरण है चक्र के साथ साथ प्राण का वो ज़्यादा विस्तार ले सके, जिसको यौगिक डीप ब्रीदिंग कहें। ये पहला प्रक्रिया है। दूसरे प्रक्रिया में सांस को फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, जैसे आप कपालभाति क्रिया में करते हैं, और पेट अंदर की तरफ जाएगा, सांस बाहर की तरफ जाएगी, ताकि भीतर का जो कचरा है, गंदगी है, वो बाहर की तरफ जाए और लंग्स में जो डस्ट है, गंदगी है, टॉक्सिक है, वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो इस दोनों का प्रयोग है परशुराम प्राणायाम। देखेंगे एक बार, धीरे धीरे शिफ्टिंग होगी सांस की, वो भी समझेंगे। सेकेंड विकल्प क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। यानी पहले धीरे धीरे मैंने सांस लिया पेट की तरफ, फिर उसी सांस को छाती की तरफ शिफ्ट किया और फोर्स से सांस बाहर निकाला एक बार में, और उसके बाद सांस निकालने की वो प्रक्रिया जारी है। ऐसा नहीं कि सांस बस छोड़ा और रह गए, उसको और निकालते जा रहे हैं ताकि पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पूरी तरह। फिर से समझेंगे एक बार, फिर सेकेंड विकल्प। फिर अगले सांस की तरफ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है कि जिसमें मैंने तो आंख खुल के भी आपको किया, लेकिन आपको लगातार आंख बंद करके धीरे धीरे सांस को फील करना है। फोर्स से सांस छोड़िए, अगर तुरंत सांस नहीं लिया जाता है धीरे, तो एक दो सांस को नॉर्मल होने दीजिए और फिर डीप ब्रीदिंग करें। अगर शुरुआत में आपको लगे कि आपने सांस को छाती तक शिफ्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये अभ्यास से आने वाली है, तो आप सिर्फ पेट को भरें और फिर धीरे धीरे पूरे तरह से पेट को भरने के बाद सांस को रोकें, फोर्सफुली सांस को निकालें, और पूरा सांस नहीं निकल पाता है तो लिप्स को फोल्ड कर धीरे धीरे सांस को बाहर करें। एक बार देखेंगे छोटे स्वरूप में इसको कैसे करें बिगिनर के लिए। पेट खाली है, फिर शुरू, यानी सांस को मैंने फेंका, फिर और सांस निकालने के लिए लिप्स को फोल्ड किया और ताकि पूरी तरह से सांस खाली हो जाए। परशुराम प्राणायाम का ये है दूसरा विकल्प। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सांस लें तो पेट को फुलाएं और सांसों को एक साथ शिफ्ट करें। अगर ये शिफ्टिंग आपको नहीं समझ में आती है, दिक्कत होती है, तो वाजिब तौर पर परशुराम प्राणायाम से पहले आप वशिष्ठ प्राणायाम का अभ्यास करें, डीप ब्रीदिंग का,
वीडियो में डाल देता हूं, तो उसमें अभ्यास होगा आपका लेट करके, क्योंकि लेट के आप प्राणायाम में थोड़ा सा पेट को ज़्यादा ढीला कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे। तो ये प्राणायाम क्या करने वाला है, आपके डायफ्राम को भी मजबूत करेगा, और डायफ्राम जो है वो सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि डायफ्राम की मजबूती वो ज़्यादा नीचे आएगा तो ज़्यादा सांस आपकी लंबी होगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग लंबी सांस चाह के भी नहीं ले पाते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है। कुछ हद तक आपको ऐसा लगेगा कि कपालभाति कर रहे हैं, लेकिन कपालभाति में आप बहुत फास्ट सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये ना तो डीप इन्हेलेशन है ना एक्सहेलेशन में लंबाई है। और जब आप लंबी सांस लेते हैं तभी आपका प्राण बढ़ता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, मन में शांति आती है, और शांति में आपका शरीर ज़्यादा रिपेयर होता है। एक, सूर्य नाड़ी भी नहीं बढ़ती। दो, चंद्र नाड़ी जागृत होती, सभी अंग ठीक रहता है, वेगस नर्व मजबूत होता है। ये तमाम फायदे हैं, लेकिन फास्ट ब्रीदिंग में ये चीज़ नहीं मिलता है। दूसरा, इसमें हम सांस सिर्फ हल्के से निकाल नहीं रहे हैं, सांस को निकालने का एक फोर्स के बाद लिप्स फोल्ड करके और देर तक छोड़ते जा रहे हैं। जब आप सांस देर तक छोड़ते हैं तो ये आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी बढ़ाता है। तो कमोबेश ये क्या है कि आपके सत्व को ज़्यादा बढ़ाएगा, रजस को धीरे धीरे कम तल पर ही करेगा, वो उस तल पर, ताकि भीतर की जो गंदगी है लंग्स की वो बाहर आ सके, या म्यूकस कभी फंसा रहता है उसको हटाया जा सके। कोई भी व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकते हैं, इवन अस्थमैटिक हैं तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि सांस को बाहर करने में आप फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो अस्थमा वाले हाई बीपी के पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक हुआ हो उनको तो और प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कई दूसरे प्राणायाम हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। परशुराम प्राणायाम में इन बातों को ध्यान में रखिए, और महर्षि परशुराम की तरह आपके अंदर तप बल पैदा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने तपस्या की शक्ति को बढ़ा सकें, उस आधार पर मन में परशुराम जी को ध्यान में रख करके परशुराम प्राणायाम करते रहें। आज इस वीडियो में इतना ही। जय परशुराम।